जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब करें, ये भी करना है हमें, ये भी देखो ये वो दिखाई नहीं, और कभी बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और कभी बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मंदिर है सामने हमारे, दिखाता हूँ आपको यहाँ का उद्घाटन, यहाँ पे यही शोभन में अच्छी लोकेशन में आपको दिखाता हूँ ये मंदिर है। अब जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, नाश्ता करने में भी आ जाओ नाश्ता में भैया, उसके बाद जाके थोड़ा काम हम करेंगे, उसके बाद काम हम करने के बाद हम एक जगह पे घूमने जाएंगे, वहाँ की आपको जो सीनरी है वो सारी चीजें दिखाएंगे, पर अभी खा ले, पर अभी पहले खा ले, खाने जा रहे हैं। बोला पैक कर गया एंट्री पंडाल के अंदर, मतलब हमारा शो यहीं पे है, ठीक है यार दिखाता हूँ। आगे हमारे पीछे ये है खाने का पूरा, मतलब लाइन से, मतलब बहुत लोगों का खाना यहाँ पे, मतलब आराम से बैठ के गद्दे पे दिखाता हूँ आप लोगों को। कम से कम 700-800 लोग आराम से बैठे खाना खा सकते हैं यहाँ पे, मतलब इतनी व्यवस्था है यहाँ पे, और पंखे वगैरह सब लग रहे हैं यहाँ पे, पंडाल देख ही रहेगा तो पूरा अच्छे से। ये शायद मिठाई वगैरह है, मिठाई देखो यहाँ पे खाना बन रहा है, सुन लो देख रहे कितने, मतलब कितने लोग हैं खाना बनाने वाले यहाँ पे, तो खाना बनाने वाले बन रही है, देखो पूड़ी वगैरह बन रही है, देखो ये चावल वावल है सब, देख रहे हो मतलब बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा है। ये गिलास है पीतल का, मतलब बहुत हैवी गिलास है, और एक टिशू है इसके अंदर, और ये चम्मच अपना स्टील का ये है, तो और ये कटोरी है पीतल की, देख रहे हो कितनी हैवी है, मतलब बहुत हैवी है, और ये थाली है अपनी। तो खाने में क्या क्या है, पापड़, पोहा, और ये मिठाई खाखरा, और ये है पूड़ी अपनी, और ये पता नहीं दाल है, मतलब इसको पोहा बोलते थे कुछ ऐसे है ये, तो ये है। आज हम फर्स्ट टाइम गुजरात का खाना खा रहे हैं भाई, मस्त लग रहा है खाने में, टेस्ट अच्छा है। ये चटनी और ये ढोकला, ढोकला मतलब कि दिल्ली का होता है, येलो होता है ना, उसमें बहुत रस रस रहता है, यहाँ का वाइट है ये ढोकला पूरा, और इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ तो, और ये मिठाई है, ये मिठाई पता नहीं किस चीज़ की है, ये मिठाई किस चीज़ की है वैसे, ये ड्राई फ्रूट रोल है, ड्राई फ्रूट रोल, ड्राई फ्रूट रोल, ये ड्राई फ्रूट रोल है भाई, रोल सॉरी रोल, और पानी भी मतलब कि पुराने स्टाइल में, ये बाल्टी में वो मग्गा है से पानी, और चटनी लगाई हमने, पूड़ी मंगा लो भाई, और फिर का पेड़ है। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, वो मैंने पिंक हुडी पहनी थी ना सुबह, तो मैंने चेंज कर लिया था हुडी, थोड़ी सी मेरे यहाँ से क्रैक हो गया था, मैंने चेंज कर लिया था, तो अपना ये रूम है, कुछ ऐसा रूम है, ठीक है भाई, ये रूम है, ये ड्रेस रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गद्दे डाल रखे, बेड तो है नहीं वैसे, और ये सबका सामान रखा हुआ है, सो वगैरह, और एक चीज यहाँ पे पर्दे लग रहे हैं इसके भी, ऐसे खाली है बालकनी टाइप है, मतलब ये सोसाइटी में है। और इसके बाद इधर ये किचन है, और ये बाथरूम है अपना, इसमें नहाने गए हैं भाई लोग, और ये एक रूम और है, ये इसमें बेड लग रहा है, ये हमारे बैग वगैरह तो अलग अलग ऊपर सब पड़े। तो गाइस हम लोग अब होटल में आ गए, वहाँ पे मैं अच्छा नहीं लग रहा था, तो बिल्कुल भी, तो मैंने चेंज करवा लिया यहाँ पे, तो अब आपको होटल का भी दिखाता हूँ पूरा, होटल तो अच्छा है वैसे खासकर, ये होटल है भाई, ये अपना सोफा है, और ये बेड लाइन बेड है अपना, मतलब वो जो कहा है हम लोग, ये चेयर, ये ड्रेसिंग टेबल, ये कवर्ड, कवर्ड में कुछ है नहीं वैसे, खाली है पूरा, एसी लग रही है अपनी, ये बाथरूम है भाई,
ठीक है। और ये टीवी भी लग रहे हैं गाइस, तो हम लोग लंच करने हम करेंगे हम लंच करने मजाएंगे घूमने। तीन तो बज गए, 3 बजे कहाँ जाएंगे घूमने? पास में लेके वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लोगों ने दिखाया ही है ब्रेकफास्ट का कैसा था, इन भाई ने ना एक बैग से जुगाड़ निकली मेरे लिए, बाकी सब कुछ कर लिया उन्होंने अपना, टोटल वोटल सब कुछ कर लिया, एक बैग से जुगाड़ निकली ने। अब मैं कुछ कहूँगा इन वीडियो में आगे, चलो कर देंगे भाई कर देंगे। तो गाइस फिर से वहीं पे आ गए हम, जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट किया था, खाना वगैरह करेंगे। ये वाली और ये खीर है, ये अपने रसगुल्ले और ये पकौड़े, ये ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई और ये चने चटनी और ये दाल चावल और ये पूड़ी और इधर ये पता नहीं किससे सब्जी है, नो आइडिया। और ये परवर की सब्जी है, ये है पूरा मेन्यू। पीतल की थाली है, पीतल का गिलास, सब कुछ पीतल की कटोरी वटोरे सब ठीक है। भाई यहाँ मेरे हाथ खराब पड़ी है अभी गर्मी में, कुछ पूछने की नहीं है। और ये देखो भाई, ये सभी को पानी पिला रहे हैं और ये भकोड़ों की पाई बैठी हुई है खाने को भी उठती है। सेवा में मेवा है। और ये भाई सेवा में वगैरह भाई, और दो क्या करें इनका भाई। तो हम लोग खाना खा के आ गए बाहर, और हम जा रहे हैं अटल ब्रिज, यहाँ का वहाँ पे जाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ऑटो में बैठते हैं, निकल गए यहाँ से, बस पहुँचेंगे थोड़ी देर में। और ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर, ये भी करना है ना, ये भी देखो ये वो दिखाई नहीं। और कभी बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और कभी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी हम जा रहे हैं अटल ब्रिज, और यार हमारे आ रहे घर जी तो। और भाई एक दो तीन चार चार बोलते हैं सात लोग, ड्राइवर अंकल को भी गिन लिया इनने वैसे। हाँ भाई साथ भी जाने के साथ लोग है भाई। गर्मी बहुत है भाई यहाँ पे भाई, मतलब कि हम स्वेटर पहन गए थे दिल्ली से, शर्ट में आ गए भाई, शर्ट अच्छा देख रहे हो भाई, मतलब कि यहाँ पे मतलब गर्मी भाई हद तोड़ है। बस हमारे इन्होंने भाई ने स्वेटर पहन रखा है, ये भाई स्वेटर पहन रखा है बस, क्योंकि ये शर्ट नहीं आते इसलिए स्वेटर पहन रखा है। भाई यही है बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो भैया इसको फिट कर रही है, मैं बना दूंगा ठीक है। छुट्टी हो गई हमारी अंदर भाई साहब, और धूप आप लोग देख ही रहोगे हमारे वीडियो में, धूप कितनी तगड़ी आ रही है ठीक है। और सामने है एटलस ब्रिज, सामने ब्रिज ले रहे वीडियो में, ले रहे भाई ले रहे आ रहे तुम्हारे। गाइस देख रहे हो व्यू कैसा मस्त आ रहा है पीछे, हम अभी शूट कर रहे हैं वीडियो वगैरह अपनी रील्स के लिए। तो पीछे हमारे एटलस ब्रिज कितना बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। ये हमारी पुलिस है देख रहे हो, ये मैं हूँ भाई। शूट हो गया सब हो गया, घूम टहल लिया हमने, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तो हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे, हमारा क्योंकि शो भी स्टार्ट होने वाला है 7-8 बजे से, तो फिर शो भी देखना है हमें, तो फिर आपको थोड़ा शो का भी दिखाऊंगा मैं कि हमारे कॉस्ट्यूम वगैरह कैसे। भाई यहाँ क्या रोड है आपको दिखाता हूँ, कितना सुथरा रोड है भाई देख रहे हो, भाई कितना मस्त रोड है।
बहुत तगड़ा रोड है, बहुत पूरा साफ क्लियर, मतलब छोटे छोटे हरियाली हरियाली पूरी तरफ। तो गाइस हम अपने होटल में पहुंच गए रूम में और बहुत थक गए, बाकी थोड़ा 7 घंटे तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर शो में जाएंगे। तो फिर इस ब्लॉग को मैं भी यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तो हम रात को निकलेंगे दिल्ली, अब तो घूमने का प्लान कुछ है नहीं, टाइम पूरा दे दिया हमारा, ठीक है। तो थोड़ी खांसी आ रही है, आइसक्रीम खा ली गर्लफ्रेंड ने, भैया ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।